और देखना है अब की बार जगह को चेंज करके सभी खिलाड़ी, और इस समय जगह को चेंज करके हट चुकी है, जबकि उत्तरी छोर से ठीक एफसी चेक टीम की टीम है। इसके बाद इस तरह से दक्षिणी छोर से आर्या टाइगर सहेबल की टीम को देखना है। इन दो टीमों के बीच बहुत ही घमासान मुकाबला चलती हुई है, तो देखा जाना है दो टीम में से कौन सा टीम इस शुरुआती दिन में ओपनिंग गेट में अगले मैदान में जाने के लिए अपने सुनिश्चित कदम पर छूलेगी। देखा जाना है इस समय तीन रेफरी और इस ग्राउंड में उतर चुके हैं, लेकिन हर की बेच पर अपने रेफरी मंडली का अच्छे तरीके से भूमिका निभाने के लिए, और साथ ही साथ तमाम दर्शक भाई, जबकि आज के इस पहला डे का दिन में सभी इस टूर्नामेंट में सफल हुए दर्शकों को मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जबकि आज आप लोगों के सहयोग से जिस तरीके से टूर्नामेंट में अगर जब तक दर्शक नहीं होते तब तक मैच को देखने लायक जैसा नहीं बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी आप सभी दर्शक जबकि दूर दूर से एक पहाड़ी क्षेत्र में एक पैदल हारे के लिए गाड़ी से और हर तरह के सिचुएशन में आप सामना करते हुए इस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मैं सभी ऑडियंस इस क्लब की तरफ से मैं दिल की गहराई से पूरे दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस समय इस री स्टार्ट होने के लिए कुछ समय बची है, जबकि जैसे ही यहाँ से स्थिति बचेगी, चलिए स्थिति बच चुकी है, जबकि निर्णय रेफरी के माध्यम से हुसिल बच चुकी है। देखना यहाँ से गोविंद चेष्टा करने के बाद फिर से योगेश के लिए खेला है, योगेश यहाँ से फिर से गोविंद के गेंद को सरकाया। देखना है यह जमीनी पास करते हुए सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे अनुभव की संग करते हैं। इसी बीच में रूपा के लिए, और अक्सर रूपा एक डिफेंस बैच में अधिकतर भूमिका निभाते हैं, तो देखना इसी बीच पर गंगा के लिए गोल मिल चुके थे, लेकिन इसी बीच फिर से सुमन और यहाँ से गोल को देंगे देवीदान बेसरा। इस लेटी पर प्रखंड के सबसे होनहार खिलाड़ी है, देखना है देखने में शायद कम उम्र के लड़के लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट में लाखों का टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ी। देखना है इस बीच पर जर्सी नंबर 12 थोड़ा सा जोगेश के पास सरकाने के बाद क्या यहाँ से जोगेश अच्छी तलाश करके पास निकल पाएंगे, बिल्कुल यहाँ से बैक पास खेला है रूपा पारिया के लिए, रूपा फिर से खुबले के लिए और अक्सर खुबले एक ही ये खिलाड़ी सबसे लोगों का दिल जीतने वाले खिलाड़ी है, जबकि इस खिलाड़ी के पास एक खरगोश का चतुराय है, तो देखना है इसी बीच पर फिलिप हेमरा गेंद को निकलने के बाद लेकिन ऑफसाइड का ट्रैक में फंस चुके हैं, इस वजह से यहां से किक करने के लिए बॉल मिल जाएगी। चलिए तुरंत जर्सी नंबर 4 बॉल को आगे निकालने के बाद इसी बीच में तलाश कर रहे हैं जर्सी नंबर 3 के लिए, 3 नंबर पे तलाश और बॉल को बनाया है, जबकि फिर से उसी खिलाड़ी के लिए ये सेकेंड हाफ का मैच शुरू हो चुका है और ये तकरीबन एक मिनट के दरमियान में ही ये दोनों बहुत तेजी से खेलते नजर आ रहे हैं, और ये हल्का बूट प्रेस था और ये बूट प्रेस उतना हेवी नहीं था, लेकिन जो पोजीशन बॉल का जो पोजीशन है ओपोनेंट के पास चली गई थी और ये रेफरी ने कहा कि नहीं मैं आप बॉल को स्टॉप करें, और इस तरह से बॉल को सरकाया है भगवान के लिए और ये बॉल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को डालेंगे, ये तो बहुत ही अजीबो गरीबों को बॉल वहां से तो देखिए स्टार से बने हुए प्लेयर्स हैं, तो देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ से पारिया टाइगर सहेज की टीम के खिलाड़ी बने और फिर से मिल गया है पास्टर, पास्टर क्या करेंगे, नहीं कुछ कर नहीं पाए, आप से टच लाइन से बाहर चली गई है, जहां मैं देख पा रहा हूं फिलिप अपने टीम के लिए पूरा जान दे दिए हैं कि कुछ कर गुजरना चाहते हैं अपने टीम के लिए, और पास्टर ये 10 नंबर ये अच्छा स्किल है इनके पास और ये कट बैक खेलने के प्रयास में ये बॉल जो है टच नहीं गोल लाइन से बाहर चली गई है, एक गोल किक मिलेगा, गोल किक मिलेगा हमारे
साहेबगंज की टीम को मुकेश के द्वारा गोल किक दिया गया था। लेकिन ये जो खेल जो हम देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार और जंदार खेल चल रही है। ये कोमले के लिए बॉल बढ़ाया गया था लेकिन कोमले तैयार थे रन लेने के लिए, लेकिन डिफ्लेक्शन आया। और भगन भी जो है इस टीम से जुड़े हुए हैं, ये यही बहुत ही कलात्मक खिलाड़ी हैं, क्लासिक प्लेयर हैं। और इस तरह से ये कोमले के लिए बॉल, पास जो आया है एकदम पूर्व अनुमान के साथ सही पास निकाला है योगेश के लिए। लेट कर रहे हैं लेकिन लेट ही सही, लेकिन आपने ही खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। ये पासेस देखिए, ये पासेस जो अगर तो पूरा टीम को भुगतना पड़ेगा। योगेश का जो अलग अंदाज हम देख पा रहे हैं इस मैदान में, लेकिन एक प्लेयर शायद चोटिल है और रेफरी बेहतर समझे कि अगर रेफरी का कॉल आएगा तो कमिटी आप तैयार रहेंगे। अभी रेफरी टीम रेफरी का अगर कॉल आएगा तब आप जाएंगे अंदर, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे लाइन में, टच लाइन में आप रहेंगे। और इस तरह से देख रहे हैं जो समय खपत होता है उसका समय का भी जोड़ा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि वो समय मेरा बेकार का खपत हो रहा है, जितना भी समय जाया होगा वो समय आपको मिल ही जाएगा इंजरी के रूप में। और लगता है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, शायद वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है राजा जी, जो राजा जो है अपना राज जमाते हैं मैदान में, मैदान के बीचों बीच राजा बाबू है मैदान में। और ये बॉल उन्हीं के लिए लिया गया, ये पासेस निकाला है विंगर को, ये क्या बॉल टच हो रही है इनके पैर से, चेस्ट डाउन, ये गलत दिशा में चेस्ट डाउन हुआ, ये चेस्ट डाउन सही फर्स्ट टच रहा था। कुमले के लिए बॉल बढ़ाया है, रन करेंगे बॉल के साथ, थोड़ा सा पीछे रहे लेकिन फिर से कोमले के लिए ही बढ़ाया है, प्ले ऑन का संकेत है, बॉल के साथ अच्छा रन अगर होगा। ये देख आठ नंबर गोविंद के पास बॉल गया, फिर से कट बैक खेला है अपने टीम के लिए, लेकिन ये फॉल होता नहीं है, बॉल के साथ कॉन्टेक्ट ज्यादा था और इसीलिए रेफरी ने समझा कि एक फॉल आप मांग रहे हैं सही, लेकिन कोई फॉल नहीं है, उन्होंने प्ले ऑन किया है। और इस तरह से दोनों टीम कभी तो ओपोनेंट के पास अटैकिंग कर रहे हैं, कभी तो ये साहेबगंज की टीम अटैक कर रही है, कभी चेक डम की टीम अटैक कर रही है, लेकिन ये कोमले रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब तक कोई से कुछ उनको देखने को नहीं मिला है उनसे। एक फर्स्ट हाफ में कुछ शुरुआती क्षणों में ही मिला था, बॉल के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनका अच्छा ब्लॉक आया था डिफेंडर की ओर से। अब ये गलत पास निकल गया है, ये पहली मर्तबा, पहला जो दो तीन पास आया था अपने टीम के लिए, और इस तरह से ये फर्स्ट हाफ खिलाड़ी है जबकि रनिंग का मास्टर है, रनिंग का मास्टर, जिस तरीके से अगर बॉल मिलेगी तो ये खिलाड़ी हर हालत में गोल दागने वाले खिलाड़ी, और कई जगह में अपना मेडल को भी हासिल कर चुके हैं, स्टार ले चुके हैं इस खिलाड़ी ने। इस 2024 में क्या इस ग्रहण पे अपने स्टार भरे फेर से आज हरियाली खुशियाली मचलते हुए अपने टीम को क्या जीत हासिल कर पाएंगे, यही सबसे बड़ी बात है। दानियल जी, स्टार अपना कंधा में कोई ले लेता है ना तो समझ जाते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए खुद वो गोल खेलना चाह रहे थे, वो गोल करना चाह रहे थे। स्टार एक बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है, जहाँ स्टार किसी का कंधा में चला जाता है तो अपने आप को सोचते हैं। और ये प्ले ऑन क्या कर रहे थे कोमले, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये आप बॉल के साथ जाइए, बॉल खेलिए, आपका काम ये नहीं है डिसीजन देना, डिसीजन देना है रेफरी का काम। जहां आप ये इतना बड़ा भूल कैसे हो गया कोमले से, ये तो एक गोल तो बन जाता। और ये देखिए बहुत ही अच्छा खेल खेला है पास्टर के लिए, ये पास पांच नंबर जो खेल दिखाया है, टीम भावना का जो खेल दिखाया है ये देखने लायक था। और ये कोमले का ये गलती ही, इसको बहुत पछतावा होगा, अभी तो नहीं जब खेल खत्म होगा
ये 50 मिनट का फॉर्मेट है, 50 मिनट में अगर हमने इतना बड़ा मौका को गवाया है तो जरूर भुगतेगा, ये पछतावा तो जरूर होगा कमले को। जी हाँ अनिल सर, बिल्कुल आपने सही बोला है, जबकि इस 50 मिनट का समय में, इस सेकेंड हाफ की समय है लगभग करीब करीब इस 25 मिनट का, जिस तरीके से आप खेलने के लिए कोशिश करते हैं, अरे एक मिनट का आपके पास बहुत ही कीमती समय के साथ आपको खेलना पड़ेगा, जबकि अगर मैच को जीतना है तो हर हालत में जिस तरीके से जर्सी नंबर 6 पारिया टाइगर साहेबगंज के टीम के खिलाड़ी कुंबले देख सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन अब की बार इस ग्राउंड पे एक ही बार गलती हो चुका है, ये सबसे बड़ी इस खिलाड़ी का गलती हो जाएगा। चलिए देखना है, लेकिन अब की बार क्या दूसरी बार इस खिलाड़ी को मौका वैसा मिलेगी तो वैसा पूरा गोल कन्वर्ट कर सकते कि नहीं, ये देखना है। बिल्कुल, और ये 7 नंबर से भी यही गलती हुआ था, और ये दूसरा गलती कोमले से टीम के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ क्षणों के बाद जब रफी का विशिल बजेगा, अंतिम विशिल बजेगा, तब उसका पछतावा जरूर होगा दोनों को। जी हाँ, पास निकलने के बाद पूरा धमाका हो सकता है, लेकिन राजा एक शायद रनिंग बैक ऑफ साइड था, इस वजह से नहीं, राजा नहीं पासवर्ड जो ऑफ साइड से ये ऑन में आने के प्रयास में बॉल पकड़ी, इसी क्रम में ये ऑफ साइड फ्लैग उठा है, राजा ऑफ साइड नहीं थे, पोजीशन सही में थे। जी सही में, और उसी का देखना है फिर से गंगा बॉल को चेस करने के बाद भी एक कार्य को ड्रिबल करने की काफी प्रयास करते हैं गंगा अक्सर, ये मतलब बाय है, देखना फिर से बॉल को लेने के बाद क्या यहाँ से पेनल्टी क्षेत्र में बॉल को सका पाएंगे, जी नहीं, और यहाँ से बॉल को रोका है फिर से जोगेश ने गोमीन, एक नाबी गिराबी फुटबॉलर, और देखना है यहाँ पे, लेकिन तत्काल आखिरी घर में अनिल मुर्मू उस बॉल को क्लियर शॉट कर चुके हैं, और यहाँ से बॉल पैर में उतरने के बाद उस बॉल को सही कंट्रोल ना होने के कारण बॉल टच लाइन से बाहर हो चुकी है, और देखना है बगन थ्रो कर चुके हैं अपने सहयोगी खिलाड़ी फिलिप हेमराम, फिलिप ने फिर से हरिल के सरकाने के बाद क्या यहाँ से पेनल्टी क्षेत्र के लिए अनिल, बिल्कुल सही पास, जी हाँ यहाँ पे जिस तरीके से पास निकलना चाहे थे, लेकिन रूपा के आंख पर बॉल टकराती भी एंड बॉल किक होगी, यहाँ से देखना है नजदीकी मामला करीब करीब पेनल्टी क्षेत्र के एक नजदीकी है, और इस जगह से जो है बहुत खतरनाक एंगल होता है, यहाँ से गोल करने का संभावना 100% नहीं एकदम 70% गोल करने का संभावना बन जाता है दानियल जी। जी बिल्कुल, अगर इस जगह से और ऐसे बॉल पे ही अक्सर हम नेशनल की बात करें तो नेशनल का जिस तरीके से विदेशी प्लेयर होते हैं और रोनाल्डो मेसी जैसे खिलाड़ी अगर ऐसे पोल बॉल मिल जाती है उसमें पूरा तरीके से वो नजर देकर शॉट लगाते हैं, तो देखना है बहुत सारे खिलाड़ी आपस में तालमेल के साथ बातचीत हो चुकी थी, बहुत देर तक मंत्रणा चला है और एक को चुना गया है, और वो खिलाड़ी रहेंगे फिलिप, ये 10 यार्ड का दूरी 10 यार्ड का वॉल बना है, और अनुमान तो सही है लेकिन वॉल को भेद नहीं पाया, और ये उनका जो अटैकिंग मूव बन गया था ये फॉल के रूप में वो निरस्त होते हुए नजर आया, और फिर से ये थ्रो इन मिलेगा चेक डैम, जो ब्लैक जर्सी में हम देख पा रहे हैं वो चेक डैम की टीम है एफसी चेक डैम, और ये पीले पोशाक में जो हम देख पा रहे हैं वो है साहेबगंज की टीम, तो आप जो अब तक का जो हाईलाइट रहा है ये दोनों ही टीम ये 0-0 में ही है और ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है अपने टीम के लिए, मौका दोनों को अच्छा मिला था, सबसे अच्छा मौका मिला था कोमले को, लेकिन कोमले ने अपना मौका को गवाया, और उससे भी अच्छा मौका मिला था भगवान को, लेकिन भगवान ने वो मौका को भुना नहीं पाया। जी बिल्कुल, ऐसा ऐसे ऐसे मौका दोनों ही टीम के खिलाड़ी के लिए मिल चुकी थी, लेकिन ऐसा में दोनों ही टीम के खिलाड़ी देखना है इसी बीच पर गंगा बॉल को लेने के बाद शॉट निकला, और यहां से सोम हंसता बिल्कुल यहां से कुछ ना गलती करते हुए आसान सा कलेक्शन, और तुरंत अनिल के लिए निकला है, अनिल बगोन के लिए, बगोन यहां से अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश किए थे, हालांकि इसी बीच में बॉल को कमल बॉल को लेंगे, कमल ने फिर से कमल के लिए देखना होगा कमल यहाँ पर क्या कमल कर पाएंगे, लेकिन आखिरकार फिर से कमल बॉल को चेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच में राजा के लिए गेंद को खेला, क्या यहाँ पर राजा एक यहाँ पर खतरनाक एरिया में बॉल को डाल पाएंगे, बिल्कुल अच्छा पास फिलिप हेमराम के लिए,
और यहां से थोड़ा सा जल्दबाजी में पास निकला, इसी वजह से बॉल गोलकीपर की निकल चुकी है। और यहां से जोगेश एक सबसे स्टार खिलाड़ी, सबसे खतरनाक खिलाड़ी है जोगेश, हर जगह से खेलने में सबसे अच्छे प्लेयर कहलाते हैं। और यहां से कमल, एक देखना होगा कमल यहां से पीछे बैक करते हुए खेलते नजर आएंगे। फिर से जर्सी नंबर 4 बॉल को मुकेश के द्वारा, मुकेश डिफेंस लाइन में सबसे मजबूती खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी बीच में बॉल को लेने के बाद फला आता, फला एक लंबे खत के खिलाड़ी है और अक्सर फला एक स्ट्राइक लेकर खेलते हैं। तो देखना यहां से बॉल टच लाइन से बाहर हो चुकी है, इसी बीच में रोहित का कंसीड हो चुका है। रोहित बॉल को रोहित करने के लिए जर्सी नंबर 2 कमल साहिबगंज के टीम के खिलाड़ी, देखना दास रबर जर्सी गोल को हागे निकाल देंगे, लेकिन इसी बीच में गोल लाइन से बाहर निकल जाएगी और गोल किक करने के लिए बॉल मिल चुकी है जबकि चेक टीम के खिलाड़ी के लिए। और ये दोनों टीम नहीं चाहेंगे कि पेनल्टी शूट आउट तक ये मैच जाए और ये मैच का रिजल्ट जो आना है ये जो है ये 50 मिनट का जो फॉर्मेट है उसी में ही आए। और दोनों टीम प्रयास कर रही है, पूरा जान झोंक दिए है अपने टीम के लिए। और ये जो संजला हम देख पा रहे हैं टेप देव चौक की ओर से, ये बहुत ही अच्छा खेल खेल रही है संजला, जो 5 नंबर जो पहने हुए है जर्सी देव चौक की ओर से, उनका एकदम निस्वार्थ भाव से अपना टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कभी अपने के लिए खेल नहीं रहे, अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं शुरुआत से ही पासेस जो अपने टीम के निकाल रहे हैं बहुत ही अच्छा, उनका कंधा में शायद स्टार नहीं है, इसी के वजह से जिनके कंधा में स्टार रहता है वो अपने ही ज्यादा अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, भरोसा जताते हैं, ज्यादा टीम के लिए खेलते नहीं है। लेकिन आज जो है जोगेश भी बहुत ही अच्छा खेल के फिर से फ्लिप का जो पासेस निकल रहा है कुछ ना कुछ बयां करती है हर बॉल में कि बॉल से कुछ करना है मुझे। तो ये अनुभवी का परिचय दे रहे हैं फिलिप, ये फिर से फिलिप के लिए सरकाया। और ये देखिए पासेस जो निकल रहा है और ये गलत पास हो गया, हैवी टच हो गया। अगर फिर से बॉल को एरियल के थ्रू ही आगे बढ़ाते तो फिर से फिलिप या पास्टर थे संजना थे तो उनको मिल जाता। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संजले के बारे में चर्चा किया जाए तो संजला एक इस ग्राउंड में पिछला साल की बात करें तो पिछला साल में इसी खिलाड़ी ने एक अच्छे खेल दिखाए थे, बहुत ही बढ़िया खेल। अब की बार देखना है कुंबले एक यहां पर रनिंग मास्टर के साथ गेंद को चेस्ट करने के बाद फिर से देख करके खेला है। इसी बीच में जोगेश के लिए, जोगेश यहां से एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश और यहां से अच्छा पास निकलेगी और ये का सबसे बेहतरीन स्किल के साथ पास निकला है। और यहां से सुभाष सोरेन गेंद को सरकाने के बाद हनीर के लिए, देखना है इसी बीच में चेक टेम के खिलाड़ी गेंद को आगे निकाला है और यहां पर खतरनाक एरिया में बॉल को सप्लाई करने की प्रयास। 2-3 खिलाड़ी को अभी ड्रिबल कर चुके हैं, ये सबसे उनहार खिलाड़ी दिलीप हेमराम और यहां से गुरसिल बच्ची भी नजर आएगी, देखना है गुरसिल बच्चों की। और ये बॉल लेने के क्रम में वो हाथ आगे बढ़ाते थे ओपोनेंट के टीम के ओर और ये निकल पड़े हैं 12 नंबर बॉल के साथ, लेकिन फिर से अच्छा बैक पास निकाला है, फिर से दोबारा बेस्ट पास आगे फॉरवर्ड किया है कमले के लिए, बॉल को सरकाया है जोगेश के लिए। ये जोगेश खतरनाक प्लेयर है, बहुत उम्दा प्लेयर है, हमेशा वो डिफेंडिंग लाइन को मजबूती देते हैं, लेकिन आज मिडिल हाफ जो मिडफील्डर का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ 4-2-4 का फॉर्मेट जो है बना पाए हैं साबित दिया। और ये बॉल बहुत ही अच्छा अनुमान के साथ डाला गया था कमले ने, अगर थोड़ा सा भी आगे गिर जाता बॉल तो एक अच्छा ऑप्शन मिल गया था साहिबगंज की टीम ने, लेकिन दोनों टीम प्रयास कर रही। फर्स्ट हाफ का जो मैच हमने देखा गेम चौक की ओर से अच्छा अटैकिंग हो रही थी, अब साहिबगंज की टीम अटैक कर रही है, अटैक पे अटैक जा रही है, लेकिन वाह क्या पासेस निकाला है जोगेश, लेकिन ये गलती, फिर से दोबारा सेकंड पास निकल सकता था जोगेश के लिए, एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता, लेकिन खुद में ज्यादा भरोसा जताया वो और बॉल को किक करने के क्रम में बॉल डिफ्लेक्शन हुआ। और इस तरह से जितना आप निस्वार्थ भाव से टीम के लिए खेलेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, पूरा मजा आएगा दर्शक को भी देखने में कि हाँ ये टीम अच्छा लग रही है, नहीं तो बस
वॉरियर आर्मी जैसे खेलेंगे तो किसी को मजा आने वाला नहीं है। बस आपको यही एक तो आप कंधा में स्टार लेके जाएंगे, मैं एक स्टार प्लेयर हूँ, खुद स्टार हूँ, तो किसी का क्या जरूरत। ये फिर गोविंद के लिए सरकाया है बॉल, फिर से सेकंड पास, तीसरा पास निकला है कुंडले के लिए, और ये अजीबो गरीबों का पास। कोशिश है जो कि हमको लगता है कि नाराज, थोड़ा सा नाराजगी जता रहे हैं अपने टीम मेट के ऊपर में। yes. मैं इधर से जब देख पा रहा हूँ फिलिप भी बहुत नाराज जता रहे हैं, नाराजगी जो है। जी 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 सर, जी सर, जिस तरीके से जोगिंद को देख रहे हैं, जबकि कहीं हर जगह से खेलते नजर आते हैं, जबकि पास किस तरीके से हमको बनाना है और गोल स्कोर कैसे मिलेगी, यही सबसे इस खिलाड़ी के पास अपने टीम के सभी खिलाड़ियों को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। देखना है फला, एक सबसे होनहार खिलाड़ी, फला बॉल लेने के बाद क्या पास पोजीशन बिल्कुल सही निकला है, लेकिन आखिरकार वहां से बॉल खोज ले चुके हैं, जबकि चेक टीम के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 सुनीराम, और सुनीराम दिखना है यहाँ पर तरोहीन करने के लिए तैयार। ये तरोहीन करने के बाद और इस मैच में जो हम रेफरी टीम को देख पा रहे हैं, हमारे AR1 में जो है संतोष यादव जी है, और AR2 में जो है हमारे संदीप जी जो मालदा से हैं, और संतोष यादव जी हैं वो सिवड़ी से हैं, और मैदान के बीचों बीच हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, रेफरी के साथ साथ वो बिल्कुल बहुत ही मीठा इंसान है, और वो आप मैदान के बीचों बीच भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत ही, और इस तरह से वो कॉल का मांग कर रहे थे लेकिन वैसे कोई कॉल था ही नहीं। जी सर, जी सर, आपने तो अपने बारे में नहीं परिचय नहीं किए बताए हैं जिस सभी ऑडियंस का, जबकि रेफरी के साथ साथ एक कोच भी है, और कोच के साथ साथ आज इस ग्राउंड में पहली बार कमेंटेटर के रूप में सभी ऑडियंस देख सकते हैं। चलिए हमारे इस अनिल प्रोड्यूसर बहुत बहुत धन्यवाद, जबकि सहयोग देने के लिए बहुत ही रेफरी की भूमिका के साथ साथ आज कमेंटेटर में भी इस मंच में उपस्थित है। इसी बीच में देखना होगा एक खतरनाक, और यहां से थोड़ा सा फ्लिप के लिए खेलने के बाद देखा जाना है। इसी बीच पर राजा गेंद को ले चुके हैं, कौन से खिलाड़ी के लिए निकल सकते हैं, और यहां से लंबी शॉट करने के बाद एक खिलाड़ी पीछे थे, लेकिन आखिरकार 16 जबरदस्ती के लिए खिलाड़ी बॉल को आगे निकला है संजीत सोरेन। और मैं देख पा रहा हूँ दोनों टीम आप थके मंदे लग रहे हैं, इनके लिए ज्यादा समय लग रहा है, शायद 50 मिनट का जो फॉर्मेट है, और ये फिलिप का शॉट निकला था, लेकिन वो शॉट पास अगर निकालते शॉट से ज्यादा काम आ जाता, लेकिन फिर भी धनेश जी हमको परिचय दे रहे थे, आपने कहा कि जोगेश जी ऑलराउंडर है, अब हमको भी लग रहा है कि मैं भी ऑलराउंडर बनते जा रहा हूँ हर क्षेत्र में, क्या धनेश जी। जी जी सर, बिल्कुल आप भी एक जिस तरीके से हम कह रहे हैं खिलाड़ी के साथ हर जगह में भी आपकी बार कमेंटेटर भी ऑलराउंडर कर चुके हैं, तो देखना है यहाँ से जोगेश के जैसे भी आप भी बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं जोगेश को देख पा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की वजह से जो एंड्योरेंस इनका था, जो स्टेमिना जो घटती नजर आ रही है, अपने टीम को आप शुरू कर दिए हैं लंबा पासेस खेलने के लिए, क्योंकि उनको शॉर्ट पासेस जो आता है उनके लिए फिर दोबारा उनको ये पास जो है ये प्ले ऑन का संकेत है, रन गोल के साथ रन बढ़ा दिए हैं, ये यहां से कुछ करेंगे, ये पास भी निकाला है, क्रॉस निकल गया था, योगेश के पास बॉल है, और ये योगेश, और इस तरह से निश्चित रूप से ये फाउल माना जाएगा, क्योंकि बॉल के साथ गोविंद आगे जाने के क्रम में उनको ब्लॉक किया गया, और थोड़ा ज्यादा अगर हैवी टैकल रहता तो एक कार्ड मिल जाता, लेकिन ये जो है अब ज्यादा केयरलेस टैकल था, इसी के वजह से एक बहुत ही भाईचारा दिखाया है हमारे रेफरी संतोष जी ने, ये स्पोर्ट्समैनशिप का जो परिचय उन्होंने पेश किया है, और ये अनुमान ये देखा जाता है कि इस तरह का टैकल हमेशा कार्ड रेफरी का पॉकेट से निकलता है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का जो उन्होंने परिचय दिया बहुत ही खूबसूरत, और ये बहुत बड़ा एंगल इस तरह से पहला हाफ में भी इनको मिल गया था, नहीं सेकेंड हाफ में
डेमचुक को मिला था, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं। आप देखिए रूपा ने वो कंसीड किया था फ्री किक, आप रूपा खुद फ्री किक ले रहे हैं। रूपा करेंगे, ये भी वाल में टकराया, फिर से दोबारा प्रयास में असफल और आगे प्लेयर कोई नहीं है, जा रहे हैं बॉल के लिए, मांग रहे हैं, फिर बॉल के साथ जाएंगे संजल, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और आप ये पहली बार इनका पैर से गलत पास निकला है, नहीं तो इनका पास से अच्छा निकलता रहा है। राजा के लिए बॉल सरकाया है रियर बॉल के थ्रू में और ये संजला भी लग रहे थोड़ा सा थके मंदे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से ज्यादा समय लग रहा है प्लेयर को, और ग्राउंड छोटा रहता दानियल जी साइड प्लेयर बहुत जोश और उत्साह के साथ खेलते पूरा 50 मिनट, अब 50 मिनट थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। देखिए जोगेश, जोगेश का पासेस बहुत ही कमाल, ये ताला के लिए फॉरवर्ड क्या है 11 नंबर, गोल के साथ जाएंगे, काउंटर कर सकते हैं लेकिन 11 नंबर भी थके मंदे लग रहे हैं। समय काफी हो चला है, अब 20 मिनट का खेल हो गया है, अब तो सिर्फ 5 मिनट का जो खेल बचा है उसी में आपको कुछ करना है, अन्यथा आपका रिजल्ट जो आना है पेनल्टी शूट आउट से आएगा, तो 5 मिनट आपके आपके पास काफी है, पूरा जान झोंक दीजिए 5 मिनट में। जी हाँ सर, इस 5 मिनट से समय बची है, इसी समय में आपको पूरा प्रयास करना है, अगर अन्यथा ट्राई देकर में एक अच्छा अच्छा टीम भी हार का सामना करना पड़ती है, तो देखना क्या बची भी सेल समय में किस तरीके से खेलती है ये देखना है सभी ऑडियंस। चलिए इस बीच जोगेश गेंद को आगे बढ़ाने की प्रयास किया था, उसी में फिर से गोविंद मल्ठो सबसे होनहार खिलाड़ी, गेंद को सर करने के बाद गंगा किले, क्या यहां पर गंगा बॉल को चेस्ट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, उतनी तक में बॉल ज्यादा रफ्तार होने की वजह से एक की गोल लाइन से बाहर निकल चुकी थी, देखना है गोल किक करने के लिए बॉल मिल कंसित हो जाएगी फिर से, और मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे इस मैच के बाद जो मैच होना है एफसी चतरा टीम जो है धीरे धीरे मैच मैदान की ओर आते हुए, और मैं चाहूंगा स्टाफ टीम पाकुड़ आप भी आप जल्दी करेंगे, एक टीम तैयार हो चुकी है एफसी चतरा, एफसी चतरा टीम जो है तैयार हो चुकी है, धीरे धीरे मैदान की ओर आ रही है, इस तरह से रेफरी कुछ सोच रहे हैं उनके लिए और कुछ देखेंगे, फिर से ये दोबारा फॉल किक मिला है हैंडबॉल के रूप में और ये दूसरा मर्तबा जो है रेफरी ने भाईचारा दिखाया है कि चलिए आप दोबारा गलती ना करें, नहीं तो एक अनुमान जो था ये कार्ड ही उनको मिल जाता, एक जानबूझ के ये बॉल को स्टॉप किए थे हाथ के सहारे, लेकिन ये जो बड़प्पन है ये रेफरी का बड़प्पन है जो उन्होंने इसको धर्मपुर मोड़ कार्ड दिखाने में मजबूर हुए नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय आप तक कर रहा है संतोष सोरेन जी की ओर से, संतोष सोरेन भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा है क्योंकि कोई लंबा करियर बॉल कोई खेले नहीं है, पासेस ज्यादा खेला गया है इस मैच में, इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है इनको, और ये चौके उदेश का ये बॉल, और ये देखिए एक शॉट तो लिया गया था लेकिन ये शॉट कहाँ निकल गया खुद उनको उसी को पता नहीं था बॉल कहाँ जाएगा, जोगेश के पैर से आ गया था सर, उसका पैर से शॉट आया था, शॉट करना चाहते थे जबकि गोल की दिशा एक गोल पोस्ट की दिशा में, लेकिन शॉट निकला है जबकि उसको भी समझ में नहीं आया। इसी बीच ये हाथ चलाने का प्रयास 3 नंबर, जी ये बॉल एक आसान बॉल है, ये रेफरी को दिख जाता है उनको, उनसे आप कुछ नहीं छुपा नहीं सकते हैं, और इस तरह से ये जो फिर से फ्री किक लेंगे 2 नंबर, और इसमें कुछ होगा नहीं होगा क्लियरेंस आया हेडर के द्वारा, राजा ये पासर जो है आज सारा कुछ कर नहीं पाए हैं सेकेंड हाफ में, उनका फर्स्ट हाफ अच्छा रहा था लेकिन सेकेंड हाफ में उनको खास बॉल के साथ नहीं मिला है, सेकेंड हाफ में छाए हुए हैं 11 नंबर जो है 12 नंबर और जोगेश जी है वो छाए हुए हैं हमेशा हर जगह
और देखते देखते ये विशिल समाप्ति का विशिल